नमस्कार दोस्तों, वाहन भंडार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबके लिए SDLG का ये ग्रेडर है जो कि वॉल्वो कंपनी का है। अब वॉल्वो कंपनी ने यहाँ हिंदुस्तान में रख लिया है, अपने पास ख़रीद लिया है। और ये सारा मेन इसका जो सब कुछ काम होता है ये वॉल्वो कंपनी ही कराती है, इसका इंजन का काम। पहले तो मैं आपको ये मशीन पूरी दिखा दूँ। ये मशीन कुछ इस तरह है और लगभग ये 9 मीटर के बराबर है। 9 मीटर लंबी है और 2.5 मीटर चौड़ाई है इसकी लगभग। उसके बाद मैं इस गाड़ी के बारे इंजन के बारे में इसके बताऊं तो इसमें 165 cc HP का इंजन है जो कि SDLG का ही है। और ये मशीन का मेनली काम यही मिट्टी बराबर करना, रोड में यही सब चीज़ों को बराबर करना होता है, लेबलिंग करना होता है जिससे ये बराबर रहे सब सारी चीज़ें। उसके बाद मैं आपको इसमें जो मेन चीज़ें हैं उन चीज़ों को आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा ये करती क्या है, होता क्या है। ये जो आप जैक देख रहे हैं, ये जैक से जो ये लेबलिंग ब्लेड है इसे एडजस्ट किया जाता है आगे पीछे अप डाउन। और फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये इसका बूम है। और फिर ये बूम के जो आगे वाले टायर हैं ये भी घूमते हैं मगर ये नहीं, हाँ पीछे वाले घुमाते हैं इनको, हाँ बाकी वैसे हो जाते हैं, टेपर हो जाते हैं। अच्छा, ये मतलब एडजस्ट करने के लिए होता है। और ये पीछे के दोनों चारों चक्के घूमते हैं। अच्छा, 4x6 है, ये 4-व्हील ड्राइव है और 6 टायर हैं इसमें, तो फोर व्हील के साथ है ये। और ये इसके स्टेयरिंग के लिए है ये पंप, ये जो हाइड्रोलिक पंप है ये स्टेयरिंग का है। नहीं, ये क्या है कि इंजन को एडजस्ट करता है, अगर हमें इंजन इधर उधर घुमाना हो, हाँ तो इससे घूम जाए हाइड्रोलिक प्रेशर। अच्छा, तो ये देख सकते हैं आप कि ये मेड इन चाइना है। भैया का ये भी कहना है कि ये मशीन सक्सेसफुल नहीं है, इसमें तोड़ फोड़ बहुत होती है। बस भैया को डर इस चीज़ का है कि मालिक को ना पता चल जाए, इसलिए वो वीडियो में नहीं आ रहे हैं। तो चलिए अब आपको अंदर से दिखाते हैं, अंदर से ये मशीन ऑपरेट कैसे होती है। ये मशीन अंदर से कुछ इस तरह दिखती है और ये भैया बताएंगे इसमें क्या कुछ चीज़ें होती हैं, क्या कुछ कैसे नंबर स्टीयरिंग एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, करना चाहें हम, हाँ रोकना चाहें वहाँ हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ये जो लीवर है और ये वाला जी, ये प्लेट को ऊपर नीचे करता है। अच्छा, तो ये इस साइड से एडजस्ट करता है, वो उस साइड से करता है जी। ये वाला है जो ब्रेक को अंदर बाहर करेगा, ये लीवर। अच्छा, ऐसे दाबेंगे तो इधर करेगा और ऐसे दाबेंगे तो ऐसे निकाल देगा। अच्छा, जो ये वाला है इधर को करेंगे तो ब्लेड को ऐसे घुमा देगा जी, और ऐसे दाबेंगे तो ब्लेड को ऐसे कर देगा। अच्छा, और ये हो गया उस वाले टायर वाला। टायर हमें एडजस्ट जो है, जैसे हमें लोड इस हिस्सा में है तो हम ये ऐसे कर लेंगे तो टायर आगे वाले ऐसे हो जाएंगे। अच्छा, तो ये हो गया। और ये वाला ये पूरा सल के बाहर निकाल देता है। अच्छा, और फिर आप आ जाइए यहाँ पे, ये वाला जैसे कि आप ये पिन देख रहे हो, ये बटन है जो जी, अगर हम इसको ऐसे करके दाब देंगे तो जो ब्लेड पूरा इसका हिस्सा छूट जाएगा। अच्छा, और हम इस ब्लेड को ऐसे भी खड़ा कर सकते हैं पूरा। अच्छा, ये सीधा भी हो जाएगा। और जहाँ हमें रोकना फिर इसको ऐसे दाब देंगे तो नहीं रुक जाएगा। अच्छा, और ये मशीन में टंकी कितने लीटर की है? इसके लगभग 380 के लगभग है, 380 डीजल टंकी। अच्छा, और हाइड्रोलिक 55 लीटर। अच्छा, और ये मशीन चलाने में कैसी है? चलाने में तो सक्सेस नहीं है, लोड नहीं ले पाती। अच्छा, अगर टाइम पे सर्विस ना करवाओ तो बिल्कुल ताकत ही नहीं लगाती है। अच्छा, बाकी और जो ये कांच है ये थोड़ा डिस्टर्ब दिया ये वाला। अच्छा, इसलिए ये थोड़ा दूर होना चाहिए था। यहाँ से बैठने के बाद टायर नहीं दिखते ऑपरेटर को। अच्छा, टायर कहाँ चल रहा है। मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा, मेंटेनेंस ज़्यादा है इसका। अच्छा, बाकी ऐसी सब ये जो मशीन है इसके बारे में आपने सुन ही लिया है, भैया बस आना नहीं चाहते हैं कैमरे में। बाकी ये मशीन वास्तविक में उतनी सक्सेसफुल नहीं है, जो और भी ऑपरेटर है उन्होंने भी बोला कि मशीन पावर नहीं लगाती है टाइम पे, अनसक्सेसफुल है। मतलब चाइना का माल, इतनी बड़ी जो मशीन है ये चाइना की द्वारा जो बनाई गई है ये अनसक्सेसफुल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।